सीमा हैदर के घर गए और बंद कमरे में सीमा से सचिन से आपने बात किया। सीमा को मर्जी पिटीशन से नागरिकता नहीं मिल रही है, क्या सीमा प्रेग्नेंट होगी? अगर होती है तो उसे नागरिकता मिल जा सकता है। क्या एपी सिंह ये सारे गठजोड़ कर रहे हैं सीमा के साथ? मैं प्रेग्नेंट कर रहा हूँ जी। हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे कि नई वीडियो में आपका तहे दिल से वेलकम करते हैं। दोस्तों बात करेंगे सीमा हैदर केस को लेकर। दोस्तों गुलाम हैदर का एक इंटरव्यू जो है चल रहा है, यानी सोशल मीडिया पर इंडिया में एक इंडियन चैनल है जिसे कहते हैं हम अपनी जुबान में गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया जो है उस पर जो है गुलाम हैदर इंटरव्यू देने पहुंचे तो वहां पर सवाल हुए कि सीमा मां बनने वाली है, आप जो है उसको दुआ देंगे? एक सवाल ये सचिन ने सीमा के लिए डांस किया, क्या आपने भी कभी सीमा के लिए डांस किया? एक सवाल ये, यानी एक बंदा जो है हर चैनल पर रो रहा है अपने बच्चों को लेकर और गोदी मीडिया जो है उसके साथ मजे कर रही है, यानी बातों का लुत्फ उठा रही है। वो दोस्तों यहीं पर दिखाएंगे जब गुलाम हैदर से सवाल किए गए और गुलाम हैदर ने जवाब दिया, उसके बाद दिखाएंगे आपको अस्थमा जो है यानी सनातन धर्म की गुरु है वो, और उन्होंने गुलाम हैदर से भी बातचीत की और गुलाम हैदर ने खुद इस वीडियो में बताया कि मेरी अस्थमा से बात हुई और अस्थमा ने फिर सचिन और एपी सिंह यानी उनको खरी खरी सुनाई अस्थमा ने, तो वो भी यहीं पर दिखाएंगे दोस्तों आपको। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले ये इंटरव्यू देखिए एक बार, यानी जब गुलाम हैदर से सवाल किए गए। सीमा एक बार फिर से माँ बनने वाली हैं, आप दुआएं देंगे? मैं क्यों दुआ दूंगा इसको, किसका बच्चा नाजायज बच्चा है, इसको ये रखेंगे? शादी हुई नहीं, बच्चा पहले आया, कहाँ से आया, किसका बच्चा है ये? भारत में रहने के लिए किस हद तक भी जा सकता है, कोई भी बात कर सकता है। सीमा के लिए बड़ी बात नहीं है, घर छोड़ा, शोहर छोड़ा, धर्म छोड़ा, इस्लाम छोड़ा। अच्छा गुलाम जी, एक बात, आप अपने बच्चों को लेने के लिए हिंदुस्तान आएंगे, और आएंगे तो कब आएंगे? सर देख, मैंने दोनों सरकारों से अपील किया, इंशाल्लाह बच्चे मेरे एनरोल किया जाएंगे, मुझे योगी सरकार से पूरा उम्मीद है। आपका माँ से भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू किया कि हक क्या है, सच क्या है। मैंने अब ये कह रहा था कि इसने जो है ना एक बेटी बेच दी, ये जालिम है, मैंने उनको नंबर दिया, आप बात कर सकते हो मेरे घर पे, अभी भी मेरी बेटी जो है उधर मेरे घर पे ही है। ये सीमा बेबुनियाद सवाल कर रहा है, बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है ना, आज तक सीमा ने कोई सच्चाई बात नहीं की। गुलाम भाई देखिए, वो तो वीडियो जारी हुआ, लेकिन अभी सचिन देखिए जब इंडिया में था और आपकी पत्नी जब पाकिस्तान में थी तो उसको प्यार में वो डांस करता था, देखिए डांस बना बना वीडियो भेजता था और उधर वीडियो कॉल पे सीमा देखा करती थी। तो आप भी, आपने भी खूब प्यार किया है, आपने भी कभी उसके लिए डांस या गाना गाया था क्या? नहीं नहीं, मैंने तो डांस नहीं किया, गाना गाया था। हम एक गैरतमंद बच्चों के लिए कमा सकते हैं, सजन ने तो उसको फंसाया गया ना, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, क्या किया है? चार बच्चों की माँ को लेके जलील कर रहे हैं, उसको बेटा के लेकर आया, आधार कार्ड बनवा। तो अब देखिए जो अस्थमा है उन्होंने सचिन, एपी सिंह व सीमा को लेकर यानी धमाकेदार बयान दिया, यानी बैंड बजा कर रख दी अस्थमा ने, सुनिए। सिंह वहाँ सीमा हैदर को देसी घी बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं कि सीमा देसी घी है, रोटी पे लगा के खाओ, दाल में डाल के खाओ। तो भाई मेरे पत्रकार मोदे, सारा गांव सीमा में डालकर मौज ले रहा है, ऐश ले रहा है, पूरी दुनिया सीमा में डालकर ऐश ले रही है, मौज ले रही है देसी घी। आप मुझे बताओ, मैं अपने घर में से सबसे छोटी हूँ और मेरा भाई बड़ा है, मायके जाते हूँ कभी आंख में आंख डालकर बात नहीं की, एक शर्म होती है बहनों की। आज तक जिंदगी में ऐसा कोई भाई नहीं देखा जो कहता हो उसका शरीर देखो गठीला, गोरी चिट्टी है ना, और वो तो देसी घी है, परोठे में लगाओ। मतलब भाई साहब आपने टच किया था देसी घी, आपने कहीं डाल के देखा था देसी घी, आपने चखा था स्वाद देसी घी का, कितनी बार चखा था आपने स्वाद, कितनी बार खाया था आपने देसी घी, कितनी बार पिया था आपने देसी घी? भाई साहब बताइए जरा मुझे, पत्रकार मोदे मुझे पूछ के बताइए कि देसी घी का मजा कितनी बार लिया था, कितनी बार? अच्छा लगा था, कैसा था, मीठा था, कड़वा था, फीका था, गुनगुना था, गरम था, ठंडा था, पता तो लगे मुझे भी कि देसी घी सीमा कैसा है। जिसने खाया होगा, जिसने उस घी के मजे लिए होंगे, पता तो उसको होगा, हमें क्या पता कैसा है, हम तो थूकते भी नहीं है ऐसे देसी घी पर, थूकते भी
ही नहीं है, ये तो थूक भी वेस्ट जाएगी ऐसे देसी घी पर, जो देसी घी अपने बच्चों का न हुआ, अपने पति की नहीं हुई, जिसने अपने बच्चों का भविष्य क्या की, मेरे बच्चों का पाकिस्तान का भविष्य नहीं था। जूता उठा लूं और इसके मुंह पर मारूं, बना बना के लठ बजाऊं इसके, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। ये गंदी औरत 35 से 40 लाख लेकर भागी और उससे ये बच्चों का भविष्य नहीं बना पाई, उससे ये बच्चों का भविष्य नहीं बना पाई, और यहाँ हिंदुस्तान में आकर इसको भविष्य नजर आ। सीमा की बहनें बार बार ये कहती हैं कि वहां की पुलिस उनको परेशान कर रही है, तो सीमा हैदर इसका जवाब क्यों नहीं दे रही है? देखिए भैया, वो भगोड़ी भगोड़ी पाकिस्तान से भागी घोड़ी, क्या भगोड़ी पाकिस्तान से भागी घोड़ी जवाब नहीं देगी? पूछो क्यों जी। जिस इंसान के, जो इंसान बेशरम हो जाता है ना, बेशरम मतलब चिकना घड़ा होता है ना, चिकना घड़ा, उसके ऊपर कुछ भी डालो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, ये बेशरम महिला ये है। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे कृष्णा, मैं राधे कृष्णा से बहुत प्यार करती हूँ। वाह, 36 साल की वो हो गई, 37 साल की, उसको वहां राधे कृष्णा नहीं याद आए और यहाँ पर तेरे को राधे कृष्णा याद आ गए? शर्म नहीं आती है बातें बोलती हूँ सीमा को? आज उसको राधे कृष्ण याद आ गए, पाकिस्तान में मरी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, आपने गुलाम हैदर का इंटरव्यू देखा और गुलाम हैदर से गोदी मीडिया ने कुछ सवाल किए, आपने भी सुने दोस्तों। यानी एक बंदा परेशान है, वो अपने जो है मजे ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों अस्थमा ने भी जो है एपी सिंह को लेकर और सचिन को लेकर, सीमा को लेकर काफ़ी बातें की, यानी खरी खरी सुनाई। एपी सिंह का एक बयान आया था दोस्तों, आपने देखा होगा, एपी सिंह ने बोला था सीमा देसी घी है, पराठों में इस्तेमाल कर लो, दाल में इस्तेमाल कर लो, इस तरह की बातें की थी, यानी अपनी बहन से। उस बयान पर जो है हमारी अस्थमा ने काफ़ी बातें की, खरी खरी सुनाई, जूता तक जो है उन्होंने उठाया। और दोस्तों एक न्यूज़ और जो है सामने आ रही है कि जो हैदर है उनकी जो बेटी है, एक शायद उसका नाम मुन्नी है, और वो काफ़ी बीमार है, तो दोस्तों आप सब जो है उसके लिए दुआ करें ताकि उसकी जो तबीयत है वो ठीक हो, क्योंकि वो सचिन के पास है, सीमा के चंगुल में है और एक कमरे में बंद है, बाहर नहीं निकलते, ये तो आप जानते ही हैं, और वो बहुत परेशान है। तो आप सब जो है उनके लिए दुआ करें और हैदर भाई के लिए भी दुआ करें ताकि उसके बच्चे जो है उसे मिले इंसानियत के नाते दोस्तों, क्योंकि सीमा कहीं भी जाए कहीं रहे हमें कोई मतलब नहीं, और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलने चाहिए। और गुलाम हैदर ने इस वीडियो में भी जो है भारत सरकार से, योगी सरकार से जो है अपील की है कि मेरे बच्चे जो है मुझे मिले। और उनके वकील की तरफ से भी एक वीडियो आई थी दोस्तों, उसमें साहिद रिंद को जो है यानी मास्टरमाइंड बताया, उन्होंने सारा काम किया, वो जो है इसकी खाला का लड़का है और जो फरार चल रहा है, यानी अभी पुलिस जो है पाकिस्तान की उसे ढूंढ रही है लेकिन वो फरार है, बाकी अभी तक तो कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आई। आज की वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें।